सो द कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फाइंड आउट करने का और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड फाइंड आउट करने का. सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. बेटा एक बात बताओ, अप्लाई यानी बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? सब्सक्राइब करना. तो बेटा सब्सक्राइब करता कौन है? पब्लिक करती है. चलो ठीक है. और अलॉटेड यानी अलॉट करना, बेटा अलॉट मतलब इश्यू करना, अलॉट करता कौन है? कंपनी करती है. ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूला हमें तभी प्रिपेयर करना होता है जब ये कौन सा केस होगा बेटा जी? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में. अब बात ये आती है कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है? तो मैं आपको जरा रीजन बताता हूं. सपोज करो बेटा कंपनी ने इश्यू किया था 50,000, कंपनी ने इश्यू किया है 50,000 शेयर. लेट से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 60,000 शेयर. अब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन है बेटा कि एक्स एक शेयर होल्डर है. ध्यान से सुनना बेटा, एक्स एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है लेट से 600 शेयर, ठीक है, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. अब इसका अगर आप लोग मतलब देखो बेटा, तो मतलब क्या है कि कंपनी ने इश्यू किया था 50,000, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 60,000, ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक. अच्छा अब एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया है 600 शेयर. अब एक बात बताओ, अप्लाई मतलब उसने क्या किया है, सब्सक्राइब या इश्यूड? सब्सक्राइब. तो हमें यह पता है कि एक्स एक शेयर होल्डर है, उसने 600 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, बट कंपनी ने उसको कितना अलॉट किया है? क्या आपको यह इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिख रही है? नहीं दिख रही है. दैट मींस हमें यह फाइंड आउट करना होगा कि उस शेयर होल्डर को कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं. बात समझ में आई सबके? ये बात समझ में आई है? ठीक है. अब देखो बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल शेयर अलॉटेड, बेटा टोटल कितने शेयर अलॉट यानी टोटल कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे? 50,000. टोटल शेयर अप्लाई, बेटा पब्लिक ने टोटल कितने शेयर सब्सक्राइब किए थे? 60,000. इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, बेटा सामने वाले शेयर होल्डर ने कितना शेयर अप्लाई किया है? करेक्ट, 600. ठीक है. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है बेटा कि उसने कितने शेयर उसको कितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए? 600. क्या ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है. सेम एज मान लो क्वेश्चन में दूसरे शेयर होल्डर की एक इंफॉर्मेशन होती कि वाई एक शेयर होल्डर है, ठीक है, Who was allotted, यानी कंपनी ने उसको अलॉट किए हैं यानी कंपनी ने उसको इश्यू किए हैं बेटा 1,000 shares. Did not pay allotment, but उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया है. अब एक बात बताओ, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? कंपनी ने उसको अलॉट 1,000 shares किए हैं, लेकिन उसने इश्यू मतलब उसने अप्लाई कितना किया था, ये आपको मेंशन है क्वेश्चन में? अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, एक बात बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, उसने ज्यादा अप्लाई किया होगा या कम या सेम? ज्यादा किया होगा, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है, वाई शेयर होल्डर का हमें गिवन है कि उसको कितने शेयर अलॉट हुए, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, अप्लाई या अलॉटेड? अप्लाइड. तो बेटा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड यानी नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब फाइंड आउट करना बाय द शेयर होल्डर. फॉर्मूला इज टोटल शेयर अप्लाइड. टोटल शेयर अप्लाइड मतलब टोटल शेयर सब्सक्राइब कितने हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 60,000. टोटल शेयर अलॉटेड, कंपनी ने टोटल कितने शेयर इश्यू किए बेटा जी?
50,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर. कंपनी ने उस शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट किए हैं? 1,000. अब अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं बेटा, सो दिस विल बिकम 1200. दैट मींस व्हाट बेटा? दैट मींस कि उस शेयर होल्डर ने अप्लाई 1200 शेयर्स के लिए किया था और कंपनी ने उसको अलॉट कितने किए? 1000 शेयर्स किए. पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को क्लियर है?